हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कटलेट। बहुत ही टेस्टी, चटपटा और डिलीशियस होता है। इसे किसी भी पार्टी में सर्व किया जाता है स्नैक के रूप में, या फिर आप नाश्ते में स्नैक के रूप में सर्व कीजिए। चाय के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आलू कटलेट बनाने के लिए पैन मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रखा है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। इस पर ऐड करेंगे आधा चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इस रेसिपी के लिए, तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जब चटक जाएगा तो हम बाकी के सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला। आप कोई भी सब्जी मसाले का यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच यूज करेंगे अमचूर पाउडर, इससे खट्टा फ्लेवर आएगा। मसालों को हम मिक्स करेंगे। फ्लेम लो रखा है मैंने ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को बॉयल करके छिलका उतार के और कद्दूकस कर लिया है मैंने। मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे हम मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आलूओं को फ्राई कर लेंगे। गाइस, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मूँगफली। तो मैंने मूँगफली को रोस्ट करके छिलका उतार दिया है और 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। इसी साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का इस्तेमाल कीजिए। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे मूँगफली थोड़ा सा इस्तेमाल किया। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें बाइंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने थोड़ा यूज़ किया है। मिक्स करते हुए हमें 1 मिनट तक और पका लेना है। मतलब कि यहाँ टोटल हमें 3 से 4 मिनट पकाना है। अच्छे से हम पका लेंगे ताकि मसाले और आलू का फ्लेवर जो है वो मूंगफली में आ जाए। तो सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। गैस ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेशनेस के लिए ऐड करेंगे इसमें हरी धनिया की पत्तियाँ। तो मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड किया है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने लिया है यहाँ पर 1 बाउल में 2 चम्मच अरारोट। अरारोट में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और घोल बना लेंगे। मिक्स करेंगे। घोल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अरारोट जो है वो नीचे जम जाता है। तो जब भी हम यूज़ करें घोल को तो मिक्स करके यूज करेंगे। घोल हमारा रेडी हो चुका है। हमें इतना गाढ़ा घोल रेडी करना है। और मैंने लिया है यहाँ पे सूजी और टोस्ट को ग्राइंड कर लिया है मैंने। आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कटलेट बनाना शुरू करेंगे। तो जितना बड़ा कटलेट या छोटा आपको बनाना है उतना आलू लीजिए और उसको हाथ से गोल कर लीजिए। हमें यहाँ पर सिलेंडर आकार का बनाना है, तो मैं इसको हाथ से मसल करके गोल करके और सिलेंडर आकार का शेप दे रही हूँ। आप इसे जिस शेप में चाहें कटलेट को उस शेप में बना सकते हैं। तो कटलेट हमारा जो है बन करके तैयार हो चुका है। उंगलियों से हम ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा देंगे। अब हम कटलेट को अरारोट के घोल में डिप करेंगे। अरारोट के घोल में डिप करने से कटलेट जो है हमारा फ्राई करते समय फटेगा नहीं और क्रिस्पी होगा। और इसके बाद जो हम इस पर सूजी और टोस्ट की कोटिंग करने वाले हैं वो भी अच्छे से चिपकेगी। तो उसके ऊपर रखेंगे और हम घुमा घुमा करके कटलेट के ऊपर एक अच्छी सी परत चढ़ाएंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अलग सा टेस्ट आता है। अच्छे से कोटिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम हाथ से ले करके हिला देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा लगा हुआ सूजी और टोस्ट है वो निकल जाए। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको हम रखेंगे साइड में और इसी प्रोसेस से बाकी का कटलेट जो है वो बना करके तैयार करेंगे। फटाफट बनाएंगे। सारा कटलेट हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। इसमें हम कटलेट ऐड करेंगे, तो साइड साइड से ऐड करेंगे ताकि ऑयल के छींटे जो हैं वो हमारे ऊपर ना आए। सारा कटलेट मैंने ऐड कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर हम पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। आपको इससे कम ज़्यादा भी लग सकता है। तो जब हमारा कटलेट जो है वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा या फिर डार्क गोल्डन कलर का हो जाए तो समझिए कि कटलेट हमारा फ्राई हो चुका है। कटलेट का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, डार्क गोल्डन कलर का हो चुका है। इसे अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। कलछी को थोड़ी देर कढ़ाई में रोक करके रखेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में ही निकल जाए। इसी प्रोसेस से बाकी कटलेट फ्राई कर लेंगे।
सारा कटहल मैंने फ्राई करके रेडी कर दिया, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार आप इस प्रोसेस से कटहल बना करके जरूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।